ओम शांति। 15 अगस्त हमारे देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय त्योहार है। इस त्योहार को हम विशेष अपनी स्वतंत्रता के उपलक्ष में मनाते हैं। इस दिन हमारा भारत देश अंग्रेजों की गुलामी से स्वतंत्र हुआ था। स्वतंत्रता प्राप्त करने में करीब 100 वर्ष का विद्रोह करना पड़ा। यह विशेष दिन पूरे भारत देश में बड़े उमंग उत्साह के साथ मनाया जाता है। स्कूलों में मिठाइयां बांटी जाती हैं। अब तो घर घर में झंडा फहराया जाता है। तिरंगे झंडे के नीचे खड़े रहकर भाषण दिया जाता है, जनगणमन गाया जाता है। इसी दिन 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए थे, लेकिन अभी भी हम संपूर्ण आजाद नहीं हैं। अभी भी हम अनेक गुलामियों में बंधे हुए हैं। आज भले ही हम अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों से मुक्त हैं, लेकिन जनता को गुंडों से अपनी स्वतंत्रता और सुरक्षा के लिए सरकार तथा पुलिस का मुंह देखना पड़ता है। अन्न तथा धन के लिए विदेशियों की ओर हाथ फैलाने पड़ते हैं। दूध के लिए डेयरी के डिपो के सामने पंक्तियां लगानी पड़ती हैं। बस में पांव रखने के लिए कंडक्टर की खुशामदी करनी पड़ती है। रेलगाड़ियों में सीट बुक कराने के लिए बुकिंग क्लर्क की मित्रता करनी पड़ती है। सेल्स टैक्स के झंझटों से बचने के लिए इंस्पेक्टरों को खिलाना पिलाना पड़ता है। भाव यह है कि मनुष्य इतना परतंत्र हो गया है कि उसका हर कार्य किसी दूसरे के हाथ में फंसा हुआ है। फिर हम यह भी देखते हैं कि आज मनुष्य अनेक बीमारियों के परतंत्र है, अपने संबंधियों की फरमाइशों के परतंत्र है और नित्य नई मांगों तथा उलझनों का परतंत्र है। आज मनुष्य स्वयं यह अनुभव करता है कि उसका जीवन अनेक प्रकार के बंधनों में बंधा हुआ है। अतः इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे प्रश्न का कोई उत्तर दे कि क्या भारत स्वतंत्र हो गया है, तो आइए आज स्वतंत्रता दिवस पर हम जानें कि संपूर्ण और सच्ची स्वतंत्रता क्या होती है। वास्तव में संपूर्ण और सच्ची स्वतंत्रता तो इस कलयुगी सृष्टि में किसी को भी प्राप्त हो नहीं सकती। जरा मृत्यु, रोग शोक, विवाद विक्षिप्ति, अन्याय आतंक, असमर्थता अशांति आदि आदि में से किसी न किसी क्लेश के परतंत्र होकर हर मनुष्य पीड़ित है। सच्ची और संपूर्ण स्वतंत्रता वह है जिसमें मनुष्य को किसी भी प्रकार का कष्ट, क्लेश, कठिनाई या दुख और अशांति ना हो। ऐसी सच्ची और संपूर्ण स्वतंत्रता ही मुक्ति और जीवन मुक्ति है। मुक्ति का अर्थ है देह बंधनों से, भय बंधनों से, कर्म और उसके फल से, जन्म और मृत्यु से निस्तार, अर्थात मुक्त होना। जब मनुष्य आत्मा इन सभी बंधनों को काटकर ब्रह्मलोक परलोक अर्थात परम धाम में विश्रामी होती है, तब उसकी दुख से न्यारी अवस्था को मुक्ति कहते हैं। वहां चूंकि आत्मा को ना काया प्राप्त है ना ही माया प्रभावित करती है, इसलिए वहां वह सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त है। इसलिए परम धाम को मुक्ति धाम
या निर्वाण धाम भी कहा जाता है। जीवन मुक्ति का धाम इससे भिन्न है। जीवन मुक्ति वह अवस्था है जिसमें मनुष्य को तन तो प्राप्त है परंतु किसी प्रकार का दुख नहीं है और सभी प्रकार के सुख प्राप्त हैं। आत्मा की ऐसी अवस्था स्वर्ग अथवा बैकुंड में होती है। वहां न जन्म दुख से होता है, न देहावसान की पीड़ा होती है, न तन का रोग सताता है, न मनुष्य को शत्रु का भय दुखित करता है, न किसी भोग्य पदार्थ की कमी होती है, न ही मनुष्य का मन किसी बुराई के बंधन में होता है। मनुष्य आत्मा को यह अवस्था जिस स्वर्ग लोक अथवा बैकुंड में प्राप्त होती है वह लोक इस पृथ्वी से ऊपर कहीं नहीं है बल्कि इसी भारत भूमि पर ही जब सतयुग में नर नारी अपने दिव्य गुणों से युक्त जीवन के कारण श्री नारायण और श्री लक्ष्मी के समान या देवताओं के समान होते हैं तब ही देश स्वर्ग होता है। इसीलिए भारत में गायन है 33 करोड़ देवी देवताओं का। यही देवी देवताओं की भूमि है। यहां संपूर्ण स्वतंत्रता अर्थात सर्व प्राप्तियों से संपन्न सुख समृद्धि सभी था। ऐसी सच्ची और संपूर्ण स्वतंत्रता जिसे कि मुक्ति और जीवन मुक्ति कहा जाता है, सदा मुक्त सर्व शक्तिमान सर्व हितकारी परम पिता परमात्मा शिव के सिवा अन्य कोई भी नहीं दिला सकता। यह स्वतंत्रता अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने से प्राप्त नहीं होती बल्कि मन से काम क्रोध आदि विकारों को बाहर निकालने से प्राप्त होती है। इसकी प्राप्ति के लिए मनुष्य को कोई राजनीतिक दल नहीं बनाने पड़ते बल्कि उसे ज्ञान और योग बल धारण करना पड़ता है। आज भारत को सच्ची स्वतंत्रता क्यों प्राप्त नहीं है? आज राजनीति तौर पर स्वतंत्र होने के बाद भी भारत को सच्ची स्वतंत्रता क्यों प्राप्त नहीं है? विचार करने पर आप इसी निर्णय पर पहुंचेंगे कि इसका एकमात्र कारण है कि मनुष्य में चारित्रिक बल की कमी, मनोबल की, बुद्धि बल की, नैतिक बल की और संगठन शक्ति की कमी। भारतवासियों में आज आलस्य, प्रमाद, मतभेद, बेमनुष्य विरोधाभाव, पद लोलुपता, काम क्रोध आदि विकार प्रधान है। यही कारण है कि आज वे प्रकृति के दास, पैसे के दास, अन्न और धन के लिए मोहताज हैं। अतः अब भारत के पुनरुद्धार के लिए ईश्वरीय ज्ञान बल तथा सहज राजयोग बल की आवश्यकता है ताकि उनके विचार उच्च बने, उनका जीवन सात्विक हो, उनका स्वभाव पवित्र बने और उनका आत्मबल बढ़े तथा विकर्मों की प्रवृत्ति सत्कर्मों की प्रवृत्ति में परिणत होती जाए। आज लोगों ने धर्म से ध्यान हटाकर कर्म ही को मुख्यता दे दी है। उन्होंने परमार्थ को परे फेंक कर केवल व्यवहार ही को अपना लिया है। उन्होंने गृहस्थ को आश्रमों से अलग मानकर आश्रम अलग बना लिया। उन्होंने ज्ञान और योग को सन्यासियों की चीज मानकर अज्ञान और भोग से जीवन को नष्ट करना ही अपना कर्तव्य मान लिया है। आज गृहस्थ की गाड़ी एक ऐसी गाड़ी बन गई है जो पुत्र परिवार भार से भरी है परंतु जिसके ज्ञान और योग रूपी बाजू जड़ जड़ी भूत होकर टूटने की स्थिति में आ चुके हैं और जिसमें कि परमार्थ रूपी
घोड़ा उल्टा जुड़ा है, इसलिए ही यह गाड़ी चल नहीं रही है। यह सुख और शांति की ओर अथवा स्वर्ग तथा सुख धाम की ओर बढ़ नहीं रही है। अतः परमार्थ निकेतन, जो परम पिता परमात्मा शिव है, वह भारतवासियों को सच्ची और संपूर्ण स्वतंत्रता देने के लिए, अर्थात मुक्ति और जीवन मुक्ति का वरदान देने के लिए पुनः इस भारत देश में अवतरित हुए हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के साकार मानवी तन में प्रविष्ट होकर वह उनके मुखारबिंद द्वारा पुनः गीता ज्ञान की मुरली बजा रहे हैं। वह ऐसा हर्षकारी ज्ञान दे रहे हैं कि जिससे विकारों से तप्त आत्मा को शीतलता मिलती है, प्रकृति की परतंत्रता से पीड़ित आत्मा को शांति प्राप्त होती है। इस ईश्वरीय ज्ञान बल, सहज योग बल, अहिंसा बल तथा पवित्रता बल या ब्रह्मचर्य बल से ही भारत को सच्चे अर्थों में राजनीतिक, आर्थिक और आत्मिक स्वतंत्रता मिलेगी। अतः आज जबकि विश्व के बापू स्वयं परम पिता परमात्मा शिव सच्ची एवं संपूर्ण सुख शांति वाली स्वतंत्रता के लिए हमारी मार्ग प्रदर्शना कर रहे हैं, तो हम भारतवासियों का कर्तव्य है कि जैसे हमने इस टूटी फूटी राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए कुर्बानी दी, इसी प्रकार इसके लिए परमात्मा शिव हमसे केवल विकारों ही की कुर्बानी मांगते हैं। बस वे हमें व्यवहार के साथ परमार्थ को, कर्म के साथ धर्म को अथवा योग को और ज्ञान को जोड़ने के लिए कहते हैं। क्या हम इतनी बड़ी प्राप्ति के लिए, देश की भलाई के लिए यह छोटी सी कुर्बानी भी नहीं दे सकते? तो ही हम सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।